नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंट जानकारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आगे नया नोटिफिकेशन लेके इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए और स्टार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज टू के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं उनके लिए है। रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज थर्ड कि वो अपने स्टेज थर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। ये बैच नंबर लिखा है CGEPT02/2021 बैच। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है फर्स्ट पॉइंट पर, अगर आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कंडक्ट फॉर स्टेज टू एग्जामिनेशन इज डिलेड, यानी आपका जो स्टेज टू का एग्जामिनेशन होना था वो डिलेड कर दिया गया है। आगे देखिए फॉर CGEPT ये बैच नंबर लिखा है 02/2021 बैच, व्यू सर्ज ऑफ COVID-19 केसेज इन सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक विच विल लीड टू डिले इन ECOPD एडमिट कार्ड फॉर स्टेज थर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि आपका स्टेज टू का एग्जामिनेशन डिले कर दिया गया है ड्यू टू कोविड केसेज की सेकेंड वेव के कारण, और जो आपका स्टेज थर्ड का ई एडमिट कार्ड स्टेज थर्ड के लिए भी वो भी आपके डिले हो सकते हैं। आगे लिखा है द लाइकली डेट फॉर रिपोर्टिंग एट स्टेज थर्ड इज अर्ली मिड अगस्त, जो आपकी रिपोर्टिंग डेट रहेगी लाइकली वो नाविक GD और यांत्रिक वाले कैंडिडेट्स के लिए अगस्त के अर्ली में रहेगी और या मिड में रहेगी, और बाकी रिमेनिंग जो नाविक DB के लिए कैंडिडेट्स हैं जितने भी उनके स्टेज थर्ड की जो रिपोर्टिंग रहेगी स्टेज थर्ड की प्रोसेस के लिए अक्टूबर के अर्ली में फर्स्ट वीक में या मिड में रहेगी फॉर नाविक DB कैंडिडेट्स, यानी अगस्त की दो महीने पहले और एक महीने बाद अक्टूबर में जो नाविक DB वाले कैंडिडेट्स हैं। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज टू एग्जामिनेशन आर डायरेक्टेड टू प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज थर्ड इन एडवांस, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं स्टेज टू के लिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए फॉर स्टेज थर्ड के लिए ई रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिलेक्शन फॉर स्टेज थर्ड एज द टाइम गैप बिटवीन रिसीप्ट ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज थर्ड एंड द रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट स्टेज थर्ड एट एन एस का मे नॉट बी सफिशिएंट टू, क्योंकि जो भी आपका स्टेज थर्ड जब स्टार्ट होगी तो आपको जल्दी बता दिया जाएगा और इस प्रोसेस में आपको बहुत कम टाइम दिया जाएगा कि स्टेज थर्ड के आपको रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया गया है नॉट बी सफिशिएंट टाइम प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे स्टेज थर्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपको एडवांस में इंटीमेट कर दिया जाएगा और ये आपको जल्दी करना होगा, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा स्टेज थर्ड के लिए। आगे लिखकर ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज टू आर प्रिपेयर टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है स्टेज थर्ड के लिए विदाउट वेटिंग फॉर नॉमिनेशन और एडमिट कार्ड फॉर स्टेज थर्ड। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जल्दी दोस्तों। डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर 1 पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपके उनको रेडी कर लेना है एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप सबमिट किए हैं। सेकेंड 3 कॉपी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डूली सेल्फ टेस्टेड कर लेनी है। 30 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। 4th नंबर पे कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2.5 सेंटीमीटर विद ब्लू बैकग्राउंड से 10 कॉपी होनी चाहिए इसकी। आगे देख लेते हैं पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 कॉपी ओरिजिनल और 2 जीरोक्स कॉपी। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपको, सभी कैंडिडेट ध्यान दें, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 कॉपी ओरिजिनल 2 कॉपी जीरोक्स। फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 कॉपी ओरिजिनल 2 को जीरोक्स कॉपी। करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 1 कॉपी ओरिजिनल 2 जीरोक्स कॉपी। विलिंगनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 कॉपी ओरिजिनल 2 जीरोक्स कॉपी। अटेस्टेशन सर्टिफिकेट फॉर्म होना चाहिए विद कैडर नेम 3 कॉपी ओरिजिनल। आधार कार्ड होना चाहिए 1 कॉपी ओरिजिनल 7 कॉपी जीरोक्स कॉपी, और पैन कार्ड होना चाहिए 1 कॉपी ओरिजिनल और 7 जीरोक्स कॉपी। NOC होनी चाहिए अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, ओरिजिनल होनी चाहिए और 4 उसकी सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए। फोटो ID कार्ड जो आपने मेंशन किया एप्लीकेशन में, और जो भी फॉर्म है या आप यहाँ से ये कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड द फॉर्म मेंशन पैरा 3 ये वाला लिंक से आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया नोटिस। और कैंडिडेट आर स्टार्ट टू प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दीजिए हैव टू बी इन पोजेशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन पैरा 3 एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग स्टेज थर्ड। रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल टाइम फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट विल बी आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। इट इज टू बी क्लियर अंडरस्टूड दैट नो कंप्लायंस विद द अबव इंस्ट्रक्शन विल लीड टू नो एबिलिटी, कि आपका अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो आपको कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। कैंडिडेट से ये लिखा हुआ है
एज पर डॉक्यूमेंट पॉलिसी। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड वाले आपके स्टेजेस को डिले हो गए कोविड के कारण स्टेज टू, लेकिन उसको आगे की जो स्टेजेस रहती है वो जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। इन्होंने टाइम भी बता दिया आपको, जो आपकी जीडी और यांत्रिक कैंडिडेट्स का मिड अगस्त में हो जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।